भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिकाबगंज मोहल्ले के विख्यात ब्राउन शुगर के थोक विक्रेता ऋषि कुमार द्वारा बांका तथा भागलपुर के ब्राउन शुगर विक्रेताओं के साथ खरीद बिक्री का कारोबार ततारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिकाबगंज मैदान में किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर ततारपुर थाना पुलिस बल ने छापेमारी के द्वारा 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है एवं ब्राउन शुगर, रुपये और मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं। सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में ऋषि कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद सफी खान, मोहम्मद प्रिंस, बिहारी यादव, गौरव कुमार और अविनाश कुमार हैं। बरामदगी सामान में ब्राउन शुगर 140 ग्राम, नगद 35,820 रुपए, 11 पीस मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और लाइटर भी बरामद हुए हैं। वहीं बिहारी यादव और ऋषि कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। जब्त किए गए ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत पुलिस के अनुसार 2,00,000 रुपए हो सकती है। ततारपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार झा ने अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैदी दिखाते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शाम में ततारपुर थाना एरिया में एक सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर का एक बड़ा विक्रेता है और वो ब्राउन शुगर लेकर बेचने की फिराक में है। तत्काल SP सिटी और थाना अध्यक्ष ततारपुर नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से इनका जो मुख्य लीडर है ऋषि कुमार सिंह, ये बाहर से ब्राउन शुगर लेकर आता है और यहाँ के जो लोकल सेलर हैं उनको बेचता है और वो अपने मोहल्ले में जाकर बेचते हैं। सभी 7 जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से अभी तक 4 लोगों का आपराधिक इतिहास प्राप्त किया गया है। बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास भी प्राप्त किया जा रहा है। पहले भी ये लोग ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में जेल जा चुके हैं। ऋषि कुमार सिंह जो मुख्य सरगना है वो 21 दिसंबर को ही जेल से छोड़कर बेल पे आया था, इसको फिर से पकड़ा गया है। अंग जनपद की बिहुला बेसहरी पूजा भागलपुर के चंपानगर स्थित मुख्य मनसा मंदिर सहित जिले के 119 मंदिरों में की जा रही है। सुबह से ही जिले के विभिन्न मंदिरों में डलिया चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मान्यता है कि सिंह नक्षत्र के प्रवेश के साथ ही माँ विसहरी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। मंदिरों में माता विसहरी की प्रतिमा के साथ इस कथा से जुड़े तथागत पात्रों की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए व मन्नत पूरी होने के लिए डलिया चढ़ा रही हैं। पूजा को लेकर मंदिर के समितियों द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है, साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि अंग जनपद में बिहुला बिसहरी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बिहुला बिसहरी के उद्गम स्थल चंपानगर में दूर दराज से लाखों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु आते हैं। इसको लेकर 24 घंटे फोर्स की तैनाती की गई है। विसर्जन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। जाम की कोई समस्या न हो इसके लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। विसहरी पूजा जिसकी शुरुआत कल शाम से ही हो चुकी है और ये 20 के सुबह तक चलेगा, उसके लिए प्रतिदिन जो भी कार्यक्रम है पूजा से संबंधित उसके लिए ज्वाइंट ऑर्डर निकल चुका है और बल और पुलिस बल पदाधिकारी की प्रतिनिधि रहेगी 24 घंटे और कार्यक्रम के हिसाब से भी हम लोग QRT और CIT का प्रयोग कर रहे हैं और बाहर से भी कुछ कंपनियां आई हैं। कल भी जैसा आपको पता है पूरे जिला में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है। नवगछिया पेट्रोल पंप के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के साथी शिवम कुमार ने बताया कि भागलपुर से नवगछिया आने के क्रम में अचानक तेज रफ्तार से जा रही बाइक के सामने गाय आ गई, जिस कारण बाइक अनबैलेंस हो गई और गाय में जाकर टकरा गई। टकराने के बाद बाइक के पीछे बैठा भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज निवासी शिवम के माथे में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मामले की सूचना पर नवगछिया पुलिस द्वारा आनंद फानंद में भागलपुर मायागंज अस्पताल ले जाया गया, परंतु डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवगछिया में एक्सीडेंट हुआ। नवगछिया कहाँ पर? नवगछिया चौक पे। चौक पे किस चीज से? बाइक चला रहे थे वो आगे में गाय आ गया। गाय आ गया उससे टकराने के बाद हम आ गए, वो भी स्टेशन पे जा गए। मतलब गाय आगे अचानक आया जिसके चलते। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भागलपुर के द्वारा बुधवार को लाजपत पार्क भागलपुर के IMA हॉल में चिकित्सा जांच कैंप एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर जांच कैंप में लोगों की निशुल्क जांच की गई। वहीं आज के कैंप में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भागलपुर के द्वारा भी कर्मियों ने कई यूनिट रक्तदान किए। वहीं भागलपुर के इनकम टैक्स ऑफिसर नितिन कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है हमारे शहर के लोग स्वस्थ रहें तभी राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। इसका उद्देश्य आयकर विभाग है, आयकर विभाग ने हम लोगों से अनुरोध किया था कि उनके जो कर्मी हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, उनके लिए एक स्वास्थ्य शिविर हम लोग आयोजन हम लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर जो होता है इसका आयोजन जो होता है जो सामान्य कर्मी की जो बीमारी है उसको तो जाँच करना ही है, साथ में हम लोग का जो मौका होता है आगे
जागरूकता फैलाएं। भागलपुर जिले के नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गाछी टोला अभिया में स्कूली व्यवस्था से नाराज दर्जनों लोगों ने आज स्कूल में जमकर बवाल किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक कभी 11 तो कभी 12 बजे आते हैं, कभी आते ही नहीं हैं। आने के बाद फोन पर लगे रहते हैं। मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलता है। रसोई घर की हालत बद से बदतर है। बच्चों के कक्ष में जलावन रखा हुआ है। बाथरूम जर्जर है। स्कूल आने के बाद बच्चे बाहर ही खेलते मिलते हैं, कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बात को खुद प्रभारी प्राचार्य रीता देवी भी मानती हैं कि मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलता है। उनका कहना है कि बारिश के कारण मध्याह्न भोजन खराब होता है। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर शिक्षक नहीं आते। हम कहते हैं समय पर आने के लिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनते। हाँ, चावल में पिल्लू है, बाकी चना सब जो है वो सब भी पूरा खत्म हो गया है। चना सब में तो खाली बुखले बढ़ा है, बाकी सब उसका अंदर का खत्म हो गया है। दाल सब में पिल्लू बढ़ा है। सोयाबीन तो सोयाबीन देखे किए होंगे आप, वो भी खत्म है पूरा। आरोप है कि ढेर मंगवाते हैं वेंडर द्वारा, इसलिए क्या है? इसलिए ग्रामीण लोग बोलते हैं कि ढेर नहीं मंगाइए, थोड़ा थोड़ा मंगाइए। उसमें बोल रहा है खराबी है कि उसमें क्या है? तो बरसा के समय स्कूल बंद होता है, फिर खुलता है। समय तो नहीं है, समय पर आते हैं शिक्षक लोग? तो आप इसमें क्या एक्शन लेंगे? एक्शन तो उसको बोल रहे हैं कि समय पर आइए, समय पर आइए।